हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक फेसबुक के लिए प्रॉक्सी कहाँ से बाई कर सकते हैं और कैसे बाई कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है इस वेबसाइट का। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना है। मेरा पहले से अकाउंट बना है तो मैं उसको लॉग इन करता हूँ अभी। तो जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो आपने यहाँ पर बाई प्रॉक्सी पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉक्सीज के टाइप है, IPv6 है, IPv4 है और IPv4 शेयर्ड है। तो आपने IPv4 बाई करना है, ठीक है। टिकटॉक के वर्क के लिए अगर आपने खरीदना है या फेसबुक के लिए या किसी भी और प्लेटफॉर्म के लिए आपने खरीदना है तो आपने IPv4 प्रॉक्सी खरीदनी है। इसके बाद आपने जिस कंट्री का की प्रॉक्सी लेनी है अपने उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं UK की प्रॉक्सी बाई करना चाहता हूँ। इसके बाद आपने कितने प्रॉक्सीज लेनी है, आपने यहाँ पर प्रॉक्सीज टाइप करनी है। अगर आपको 10 प्रॉक्सीज चाहिए तो आपने यहाँ पर 10 लिखना है, या अगर एक प्रॉक्सी चाहिए तो इसको एक पेयर रहने देना है। इसके बाद आपने पीरियड में जितने वक्त के लिए आपको प्रॉक्सी चाहिए तो आपने यहाँ पर टाइम देना है। तो मुझे एक मंथ के लिए चाहिए और यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा होगा कि एक मंथ के लिए EFC कितना चार्जेस लेगी। तो इसके बाद आपने बाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर HTTP या सक्स पाइप पर क्लिक करना है। किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आपके पास इस वक्त अकाउंट में अमाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आप पेमेंट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं, क्रिप्टो के थ्रू भी आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप जितने भी अमाउंट को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो उसको यहाँ पर अपने पुट करना है। अगर $1 आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो $1 आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के थ्रू पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह के फिर आप इस तरह के पेज में आ जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डालनी है और यहाँ पर पे पर क्लिक करना है आपने। तो अभी मेरे पास कार्ड में पेमेंट नहीं है तो यहाँ से पेमेंट फेल्ड हो गया है। ये तो मैं आपको सिर्फ ट्यूटोरियल दिखा रहा था कि अपनी प्रॉक्सी बाई किस तरह करनी है, ठीक है। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।